हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था, रीजनिंग की मैराथन क्लास स्टार्ट होंगी 2011 से लेके 2021 तक। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी रीजनिंग के। देखिए, आपका पीआरटी लेवल हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। यहाँ पे मैं आपके कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे तीनों ही लेवल के, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लेते हो, उसमें सारी टाइप आ जाएंगी, क्योंकि जो टाइप होती हैं रीजनिंग में वो ही रिपीट होती हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गई, रैंकिंग हो गई, तो यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर एक टाइप आ जाएगी, हर एक टाइप आपको अच्छे से कर जानी है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैराथन क्लासेस भी देख लेते हैं तो आपके 10 में से 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन से है। डायरेक्शन से क्वेश्चंस हर साल आता है, पीआरटी लेवल हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, तीनों ही लेवल में डायरेक्शन क्वेश्चन आता है। 2021 में लास्ट ईयर टीजीटी में 2 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्शन से, तो अच्छे से आपको करनी है। क्या कहा है? यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जाकर दाई तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है, सबसे पहले आपको डायरेक्शन समझनी है, दिशाएं समझनी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने आप को यहाँ पे खड़ा हुआ मानना है कि आप जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो समझिए आपकी जो दिशा होगी इधर वाली, तो ये हो जाएगी आपकी पूर्व। ध्यान से आपको ये डायरेक्शन समझ लेनी है। अगर आपने ये डायरेक्शन समझ ली, ठीक है, तो आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं निकालोगे, और जैसे जैसे क्वेश्चन में कहते हुए चले ऐसे आपको चलना है। ये पूरब हो गई, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, जब आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपकी जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूरब, इधर साइड वाली। यहाँ पे आपकी पश्चिम हो जाएगी, ठीक है, ऊपर आपकी उत्तर, ये आपकी दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और आपकी साउथ, ठीक है, ये आपकी दिशाएं हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में कहा गया है यदि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जाकर, ठीक है, दक्षिण में जा रहा है एक, देखो एक व्यक्ति है, ठीक है, ये बोला एक व्यक्ति 8 किलोमीटर दक्षिण में जाकर दाई तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। एक व्यक्ति है 8 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, ठीक है, ये व्यक्ति है दक्षिण जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन आप देखिए दक्षिण नीचे की तरफ है, यहाँ पे 8 किलोमीटर चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद दाई तरफ मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, जब ये इस तरह से चलेगा, ठीक है, ये सीधा जा रहा है इस तरह से, तो इसका दाया, ठीक है, वही आपका दाया, तो आपको अपने हिसाब से याद रखना है। ये चल रहा है, समझिए आप उस जगह से चल रहे हैं, तो इसका दाया इस तरफ से हो जाएगा सीधा हाथ, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बोला दाई तरफ मुड़ेगा, तो दाई तरफ इस ये मुड़ेगा तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है, तो इस तरफ ये मुड़ा, कितने किलोमीटर मुड़ा? 8 किलोमीटर मुड़ा, ठीक है, 8 किलोमीटर। पुनः बाई और मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अब ये फिर से मुड़ेगा, जब ये ऐसे चलेगा, अब बोल रहा है ये बाई तरफ मुड़ेगा, तो ये वाला हाथ आ जाएगा, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ ये जाएगा बाई तरफ, तो यहाँ पे कितने किलोमीटर चला? 10 किलोमीटर चला। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर चला। अब पूछ रहा है कि तो वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? भाई शुरुआती बिंदु यहाँ से स्टार्ट किया था उसने, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वो 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर वो दाई तरफ मुड़ा 8 किलोमीटर, फिर वो बाई तरफ मुड़ा 10 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में? शुरुआती बिंदु इसका ये है, कहाँ पे शुरुआती बिंदु इसका, ठीक है, यहाँ पे वो खड़ा होके देखेगा, ठीक है, खड़ा होके यहाँ पे देखेगा, तो वो कहाँ पे खड़ा है? दक्षिण में खड़ा है, ठीक है, दक्षिण में खड़ा है। और देखिए यहाँ पे देखिए, ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो ये पूरब हुआ तो ये क्या हुआ? पश्चिम हुआ, ठीक है, और ये नीचे की तरफ है, पश्चिम में भी नीचे की तरफ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, ये दक्षिण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है, और शुरुआती बिंदु से वो दक्षिण और पश्चिम में है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नीचे से खड़ा होगा, यहीं से उसकी दिशा पूछी है, तो दक्षिण से और पश्चिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो पूरब तो ये होता है, ठीक है, वो खड़ा कहाँ है? वो दक्षिण में खड़ा है। उत्तर पूरब, तो उत्तर में उसकी ये नहीं पूछी, जहां वो अब फिलहाल खड़ा, जहां पे पहुंच चुका है, वहां उस जगह की उसकी क्या है पूछा गया है कि वो जिस वहां पे शुरुआती बिंदु में किस दिशा में है, ठीक है, ये नहीं पूछ रहा कि वो किस दिशा में देख रहा है, या फिर उसका वो दिशा बतानी कि वो उससे कितनी दूरी पर है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, एक क्वेश्चन आपका रैंकिंग से पूछा जाता है, ठीक है, तीनों ही लेवल पे एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा।
क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति में ए बाई तरफ से 15वें स्थान पर है, तो लड़कों की एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है जो ए है बाई तरफ से 15वें स्थान पर है, जो मेरा बाया है, जो इसका बाया हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको खुद से अपना सॉल्व करना है, जो इसका बाया वो आपका बाया, जो इसका दाया वो आपका दाया, ठीक है। तो बोल रहा है ए वाई तरफ से 15वें स्थान पर है, तो ये हो जाएगा दाया और ये हो जाएगा बाया, तो इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ से बाई तरफ से कितने स्थान पर है ए, 15वें स्थान पर है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है दाई तरफ से बी, ठीक है, बी जो है दाई तरफ से मतलब इस तरफ से, इस तरफ से किस कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो इस तरफ से कौन सा हो जाएगा आपका, हो जाएगा इस तरफ से, यहाँ पे रख लीजिए, चौथे स्थान पर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद बोल रहा है ए और बी के मध्य तीन लड़के हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ए और बी के बीच में तीन लड़के हैं, इस तरह से यहाँ पे तीन लड़के हो गए। और जो सी है ए के एकदम बाय बैठा है, ठीक है, ये ए है और जो ये सी है ये कहाँ बैठा है, ए के एकदम बाय बैठा है, ये ए है, तो इसका दाया तो ये हो जाएगा और बाया ये हो जाएगा, ये बोल रहा है कि एकदम बाय बैठा है, मतलब कि यहाँ पे बैठा है इसके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद तो सी की स्थिति दाई ओर से क्या रहेगी, अब सी की स्थिति बतानी है कि दाई ओर से क्या रहेगी, ठीक है। तो आप उस तरफ से काउंट करोगे, क्योंकि दाया ये है बाया ये है, उस तरफ से आप काउंट करोगे तो देखो ये जो बी है ये यहाँ पे चौथे स्थान पर बैठा है, मतलब यहाँ इससे आगे तीन बच्चे और बैठे हुए हैं, ठीक है, जहां से स्टार्टिंग की है जिस बिंदु से, तो तीन बच्चे ये हो गए, चौथा हो गया बी, चार बीच में तीन बच्चे बताए गए हैं, ठीक है, चार पांच छह सात एक आठ, ठीक है। उसके बाद सी आ गया नौवें स्थान पर, तो ये कौन से स्थान पर बैठा है, नौवें स्थान पर बैठा है, तो ए इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है, पांच व्यक्तियों में ए बी सी डी ई, कितने व्यक्ति हैं, पांच व्यक्ति हैं, जिनमें ए बी से छोटा है, ठीक है, क्या कहा है, जो ए है बी से छोटा है, तो जैसे ही बोल रहेगा हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है ए बी से छोटा है, जो ए है वो यहाँ पे आएगा, किससे छोटा है, बी से छोटा है, मतलब कि बी बड़ा है ए से। उसके बाद कह रहा है लेकिन ई से लंबा है, ठीक है, ई से लंबा है, कौन, बी, ए की तो कह बोल रहा है ए बी से तो छोटा है, ठीक है, लेकिन ई से बड़ा है, ई से लंबा है, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा, ई हो गया। उसके बाद बोल रहा है सी सबसे लंबा है, जो सी है वो सबसे लंबा है, मतलब ये बी से भी लंबा है, तो बी के ऊपर आ जाएगा आपका सी। उसके बाद है डी बी से छोटा है, ठीक है, जो डी है बी से छोटा है, मतलब बी से छोटा है डी, तो मतलब यहाँ पे डी आएगा और उसके बाद यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, छोटा है लेकिन ए से लंबा है, ठीक है। तो ये बात हो गई, ए से लंबा है डी और बी से छोटा है, डी के बोल बारे में तो बोल रहा है डी बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो ए से लंबा है और बी से छोटा है, तो इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा, सबसे नीचे है तो ऑप्शन में डी में, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया, सुनो ये तो हो गया भाई, ये सबसे छोटा पूछा है, इसी क्वेश्चन में सबसे बड़ा भी पूछ लिया जाएगा कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हो जाएगा आपका सी। इसी तरह से जो सी है वो कितनों से बड़ा है, तो चार से बड़ा है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो डी है ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो डी है कितने मतलब कितने लोगों से बड़ा है, तो ए और ई से, फिर ऑप्शन में ऐसे आएगा सी और बी से, ए ई से, ए डी से, इस तरह से, तो ई और ई से डी बड़ा है और सी और बी से छोटा है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करना। इसी टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें छोटा पूछा होगा, बड़ा पूछा होगा, या दो से छोटा या फिर दो से बड़ा, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, देखिए यदि W आपका 23 है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग आपका 93 है, तो वीक बराबर है किसके। देखिए या तो आपको क्या है, जितने आपके अल्फाबेट्स होते हैं 26 उनकी आपको पोजीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, या फिर आप इजोरिटी से ध्यान रख सकते हो, जैसे कि मैं रखती हूँ इससे, ठीक है, ये पांच पर है,
ये आपकी 10 पे है, 5 मार्क्स का डिफरेंस है सभी में, ठीक है। ओ आपका 15 पे हो जाएगा, टी आपका हो जाएगा 20 पे, ठीक है, 20 हो जाएगा यहाँ पे, और वाई हो जाएगा आपका 25 पे। तो देखिए डब्ल्यू 23 है, कैसे पता करेंगे, टी है यहाँ पे, टी के बाद डब्ल्यू आता है, टी यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू। तो टी पे आपका 20 है, ठीक है, जो टी है आपका 20 पे है, तो 21 22 23 जो कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है। इसी तरह से अब हम स्ट्रॉन्ग के लिए देखेंगे, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एस, एस क्या है आपका, टी के बाद आता है, ठीक है, जब आप करोगे तो एस की जो पोजीशन होती है वो होती है 24। आप याद भी रख सकते हो उनको डायरेक्टली कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पे होता है। उसके बाद टी है, टी यहां से हम पता कर सकते हैं इस पर है, ठीक है। आर, आर का हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 23 पर है, क्योंकि देखो जो आपका होता है आर एस, एस से पहले आ रहा आर, तो ये एस आपका 24 पर है, तो एक माइनस चलेंगे तो 23 पर आपका आर हो जाएगा। ओ यहाँ पे देखेंगे 15 पर है, ठीक है। इसी तरह से एन के लिए जो एन हो जाएगा आपका वो है आपका 19 पे, और यहाँ पे जी दिया हुआ है, जी है आपका 7 पे, जी एच, ठीक है, 7 पे। अब इनको आप काउंट कर लेना, ये हो जाएंगे आपके 4 3 7 7 और 7 आपके 14 हो जाएंगे, ठीक है, 14 और 9 आपके 93 हो जाएंगे, ठीक है, जब आप इनको काउंट करोगे तो आपके 93 हो जाएंगे। तो ये सेटिस्फाइड हुआ। इसी तरह से आपको क्या निकालना है भाई, ये हो जाएगा आपका, इसी तरह से आपको बी निकालना है, ठीक है। तो W को हमें बताया हुआ है 23 पर है, और E क्या है पांचवें नंबर पे है, यहाँ से आप पता लगा लेना। A क्या है एक पर है, ठीक है, और जो K होता है आपका होता है किस पर, 11 पर, ठीक है। अब इनको आप काउंट करोगे तब देखिए 5 और 1 6 और 3 8, ये आपके 28 29, ठीक है, और आपके ये हो जाएंगे 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, आपको जो है पोजीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, यहाँ पे 20 के बाद 11 है, ठीक है, 20 के रेशो के बाद 11 आया है, तो इसी तरह से 102 के बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, देखो 20 के बाद क्या है 11 आ रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे गुना भी नहीं हो रही, क्योंकि गुना होता तो यहाँ पे डबल होती, ठीक है। माइनस भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हुआ तो जब भी आपका 11 नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या है डिवाइड होगा। जब आपकी 20 से डिवाइड करोगे 2 से, तो क्या आ रहा है आपका 10 आ रहा है, बट 11 अब भी नहीं आ रहा। तो अगर हम यहाँ में 1 जोड़ देते हैं तो आपका क्या है 11 बन जाएगा। इसी तरह से 102 को करके देखिए, अगर 102 को हम इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं और जो आंसर निकल के आए, अगर वो आंसर आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है, तब तो क्या है ये आपका राइट हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या है कुछ और ट्रिक इसमें लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे 102 डिवाइड 2 से करेंगे तो कितने पे कटेगा 51, ठीक है। 51 में जब हम एक ऐड करते हैं सेम इसकी तरह, तो ये आपके क्या है 52 आते हैं, ऑप्शन में ये 3 पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, ठीक है, सीरीज से क्वेश्चन आता है। तो इसमें सीरीज में क्या है 55 के बाद 56 दिया है, मतलब कि एक जो है एक्सटेंड हुआ है 1, ठीक है। तो 55 के बाद 56 है, एक आगे गया, यहाँ से 56 के बाद क्या है 58 है, तो 7 8 मतलब कि 2, ठीक है, प्लस 2 होगा तब आपका 52 हो जाएगा। 52 के बाद क्या है 61 है, तो 58 के बाद जब है 9 59 60 और 61, तो यहाँ पे प्लस के 3 करेंगे तब आपका 61 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे प्लस का 4 करके देखो, तो यहाँ पे जब प्लस के 4 करेंगे तो 65, ठीक है, आपका आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसी तरह से 1 2 3 4, तो फिर 5 हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 65 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या है आपका 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 70, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 11 के बाद 20 दिया हुआ है, ठीक है। उसी के बाद इसी तरह से 25 के बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, तो देखो जब हम यहाँ पे क्या है 11 का स्क्वेयर करते हैं तो हमारे पास क्या है, 11 का स्क्वेयर जब हम करते हैं तो आपका जो आंसर होता है 121 होता है, लेकिन हमको यहाँ पे दिया गया है 120, मतलब कि इनमें से इसमें से एक माइनस करने के बाद क्या है हमारे पास 120 आ जाता है। तो इसी तरह से इसको करके देखते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में आंसर मिलता है इसको सेम इसकी तरह सॉल्व करने के बाद तो ये ठीक है, बाकी कोई और ट्रिक लगाई जाएगी। तो यहाँ पे देखियो, तो यहाँ पे देखो 25 है, ठीक है। 25 का जब आप करोगे स्क्वेयर तो क्या होता है 625 होता है। 625 में से सेम इसकी तरह एक माइनस करते हैं तो आंसर जो है 624 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में हमको 624 दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका कॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से पूछा जाता है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा तीनों ही लेवल्स में। किसी कूट में डी एफ जी एच जे को इस तरह लिखा गया, मतलब कि डी एफ जी एच जे को एफ एच आई जे एल लिखा गया है, तो इसी तरह इसी रूप में लिखा जाता है। तो इसी तरह ए यू डी आई टी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से ये वाला इसकी तरह लिखा गया है तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए डी के बाद एफ है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको डी एफ जी एच जे को यहाँ पे एफ एच आई जे एल, ठीक है। डी के बाद एफ आ रहा है तो डी ई एफ, ठीक है। प्लस के दो हो रहे हैं, दो आगे जाएगा तभी तो एफ आएगा। एफ के बाद एच आ रहा है तो एफ ई एफ जी एच, यहाँ पे भी प्लस के दो है रहे हैं। तो इसी तरह से आप देखोगे जी एच आई, यहाँ पे भी दो, इसी तरह से यहाँ पे भी दो, मतलब दो दो एक्सटेंड करते हुए ये चल रहा है। जे के बाद देखोगे जे के एल, ठीक है, यहाँ पे भी दो, तो दो दो आगे चल रहा है। तो देखो तो ए है तो ए के बाद दो आगे चलेंगे बी सी, सी सभी में दिया हुआ है। इसी तरह से यू, यू के बाद वी डब्ल्यू, दो आगे चलेंगे तो डब्ल्यू भी भाई सभी में है, ठीक है, तो और आगे करना पड़ेगा। टी के बाद ई एफ, एफ हाँ जी एफ दो में दिया हुआ है, यहाँ पे भी एफ दिया हुआ है और यहाँ पे भी एफ दिया हुआ है, तो इस तरह से भी नहीं निकलेगा, आपको फोर्थ देखना पड़ेगा। आई के बाद जो है आई जे के, तो के बस सिर्फ इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी किसी में के नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहीं से निकालती है, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपका जो आंसर हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका पांच व्यक्तियों में, ठीक है, पी क्यू आर एस और टी, जिसमें टी जो है आर और एस से छोटा है। कहा गया है जो ये टी है, जो फर्स्ट वाला टी है वो आर और एस से छोटा है, मतलब कि यहाँ पे टी है फिर आर होगा या फिर एस होगा, कहीं कोई यहाँ पे से एस भी हो सकता है ऊपर, ठीक है, आर भी हो सकता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है, पर ये जो दोनों हैं ये टी से बड़े हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है ये इससे छोटा है टी, तो क्यू टी जितना लंबा है और जो क्यू है वो टी जितना लंबा है, ठीक है। क्यू टी जितना लंबा है, आर एक व्यक्ति से छोटा है, जो आर है एक व्यक्ति से छोटा है, एस से छोटा है, अब देखते हैं कितने से छोटा है, आर एक व्यक्ति से छोटा है, इनमें से कौन सबसे लंबा है, तो यहाँ पे बताया गया है एस, ठीक है। तो बाकी देखो क्यू तो टी जितना लंबा है, दोनों समान है, ठीक है, और जो आर है वो एक व्यक्ति से छोटा बताया गया है, ठीक है, पर ये नहीं बताया गया किससे छोटा है, तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें से सबसे लंबा, तो सबसे लंबा तो यहाँ पे एस ही दिखाई दिया है, ठीक है, बाकी जो है बचा है यहाँ पे एस हो गया, आर हो गया, टी हो गया, क्यू हो गया और आपका पी, ठीक है, कहीं पे पी भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, बट उसकी पोजीशन नहीं बताई गई है, तो यहाँ पे आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, एस यहाँ पे सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस पैटर्न, इस प्रतिमान में अल्फा का मान बताना है कि क्या है, ठीक है। एक्स अल्फा एल इज इक्वल टू 2 आया है, पी अल्फा एच इज इक्वल 2 आया है, ठीक है, एल अल्फा एफ इज इक्वल टू 2 आया है,
तो जो है अल्फा क्या हो सकता है जो इनका जो आंसर निकल के टू आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपको पोजीशन ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको इजर्टी से आप पोजीशन ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देखो जो एक्स की पोजीशन होती है वो होती है आपकी 24, ठीक है, और यहाँ पे जो एल की पोजीशन होती है वो होती है 12। तब आप इसको यहाँ से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तब इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, ये सेटिस्फाइड हुआ। इसी तरह से यहाँ पे करके देखो, जो पी की पोजीशन होती है वो होती है आपकी 21 और एच की जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी 7। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करोगे 2 पे जाएगा, तो इसी तरह से इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो एल की पोजीशन होती है, एल की यहाँ पे पोजीशन होगी आपकी 12, ठीक है, 12, और जो एफ की होती है वो होती है 6, 6 से इसको डिवाइड करोगे तब आपको जो ये 2 पे जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो सीधी सीधी सी हमको यहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 में दिया हुआ है कि डिवाइड करने पर जो है हमारा आंसर 2 निकल के आएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है, निम्न वर्ग श्रेणी में, ठीक है, मतलब सीरीज में, निम्न वर्ग श्रेणी सीरीज में लुप्त पद याद करना है कि इनमें से लुप्त पद पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ए दिया हुआ है, ए के बाद बी नहीं है, फिर सी डी है, मतलब सीरीज चल रही है, ए है फिर सी डी है, फिर मतलब पहले एक की सीरीज, यहाँ पे एक की सीरीज, यहाँ पे 2 की सीरीज, ठीक है, यहाँ पे 3 की, और देखो वो भी कंटिन्यूसली है, देखो जी एच आई, ठीक है, मतलब जहां से स्टार्ट होगी वहां से कंटिन्यूसली चलेंगे, और 3, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ हमें नहीं दी, यहाँ पे हमें निकालना है कि यहाँ पे क्या आएगा। उसके बाद यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब 5 की है और सीरीज कंटिन्यू है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें पता चल रहा है 3 के बाद कौन सी सीरीज आएगी, 4 नंबर्स की यहाँ पे सीरीज आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं इजिली, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं तो ये तो गलत हो जाएगी, यहाँ पे 2 हैं ये भी गलत हो जाएगी, यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, 4 ही हमें निकालना है, बट यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं है, ए के बाद बी नहीं है, सी है, डी है, ई है, तो यहाँ पे बी होता तो शायद हम इसको राइट कर सकते थे, लेकिन ये भी आपके यहाँ पे गलत हो जाएगी। बच्ची आपकी फर्स्ट एम एन ओ पी 4 लेटर्स हैं, ठीक है, वो भी कंटिन्यूसली है, तो यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरह से आपकी नेक्स्ट मैराथन आएगी, 4 से 5 मैराथन आएगी, कंप्लीट आपके प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएंगे, और यहाँ पे जो मैंने लेवल कराए थे पीआरटी के भी थे, टीजीटी के भी और पीजीटी के, तीनों ही लेवल के क्वेश्चन थे, तो ऐसा ना है, सभी के लिए काम आएंगे, क्योंकि रीजनिंग सभी के टॉपिक सेम होते हैं, बस लेवल थोड़ा एक्सटेंड होता है टीजीटी और पीजीटी के लिए, जो मुकाबले पीआरटी के, ठीक है, तो पीआरटी में थोड़े इजी आते हैं, उसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।